लायन सेना की डही इकाई द्वारा मुख्य नगर परिषद अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। संगठन के पदाधिकारी तरुण सस्तिया द्वारा बताया गया कि आदिवासी आबादी वाले वार्डों के साथ भेदभावपूर्ण रवैया अपनाया जा रहा है। डही नगर में पहले से ही लाखों रुपए की लागत का सीमेंट कंक्रीट रोड था, उस पर डामरीकरण कर दिया, जो सिर्फ शासकीय पैसे का दुरुपयोग ही है। जहां पर आवश्यकता है वहां कोई सुध लेने वाला नहीं। ज्ञापन में बताया गया कि सस्तियापुरा में स्ट्रीट लाइट नहीं होने से सांप बिच्छू के काटने का डर बना रहता है। साथ ही पूर्व में सस्तियापुरा मुख्य मार्ग पर नगरीय प्रशासन द्वारा सीमेंट कंक्रीट रोड का निर्माण किया गया था, लेकिन ठेकेदार की लापरवाही की वजह से रोड का कुछ भाग पानी में बह गया, जिसकी वजह से किसी भी प्रकार का चार पहिया वाहन मोहल्ले में नहीं आ पाता है। रोड की मरम्मत अतिशीघ्र की जावे, साथ ही स्थायी रूप से मोहल्ले में डस्टबिन भी रखकर कचरा वाहन एवं सफाई कर्मी भी नियमित रूप से भेजे जाए। वेली स्थान लायन सेना के रविंद्र चौगट द्वारा बताया कि डही के वार्ड क्रमांक 15 सस्तियापुरा में नगरीय प्रशासन द्वारा ध्यान नहीं दिया जा रहा है। उक्त अवसर पर भीली स्थान लायन सेना के धार जिलाध्यक्ष रंजित राणा बामनिया, डही नगर अध्यक्ष सुनील मंडलोई, ट्राइबल एक्टिविस्ट लकी जागीरदार, वार्ड प्रभारी तरुण सस्तिया के साथ आदि लोग उपस्थित रहे। जावेद पटेल की रिपोर्ट।